कोरोना के इस दौर में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील के तहत राशन पड़ा हुआ है। जमुई के एक स्कूल में इस राशन की कालाबाजारी हो रही है। घटना झाझा प्रखंड के चाय पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। दरअसल बीते कई दिनों से संदिग्ध गतिविधि देखकर ग्रामीणों ने देर रात स्कूल पर धावा बोल दिया। इस दौरान वहां का नजारा देखकर वो दंग हो गए। दरअसल यहां कार्यरत रसोईया का पति अनाज को बेच रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर के साथ मिलकर बच्चों का निवाला बेचा जा रहा था। सुबह होते ही ग्रामीण हेडमास्टर के घर पहुंचे, लेकिन वो मौके से भाग निकले। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। ताला खोल के हम लोग देखे तो वहाँ पुल के पास फेंक दिया। फिर माँ से उठा के वहाँ पे टनिया में लगा, वहाँ पे फेंक दिया। तो हम लोग गए तो इसको वहाँ फिर उठा के लाए यहाँ पर। हेडमास्टर सुरेश सिंह दोनों, हेडमास्टर सुरेश सिंह का दोनों का हाथ है इसमें। हेडमास्टर बार बार फोन कर रहा, बोल दो। हाँ, 10 बार फोन किया उसका। हेडमास्टर किसके पास फोन किया? हम लोग के पास, हम लोग फोन नंबर लिए उसका, तो उसके पास फोन किए। हाँ, तो क्या बोले हेडमास्टर? हेडमास्टर बोला छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। 10 बार बोला, 10 बार फोन किया अभी बंटी को मोबाइल। यहाँ चाय स्कूल के सामने खड़ा है भीड़, ठीक है। यहाँ पर अभी हल्ला हुआ सुबह में कि यहाँ से चावल चोरी करके ले जा रहा। कौन लेके जा रहा है? लेके रसोईया लेके जा रहा था। कब की बात है? कब लेके जा रहा था? रात में कल रात में। हाँ, रात में। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम लोग आए स्कूल में, देखें चावल पूरा छिटा हुआ था, ताला लॉक है, ताला नहीं टूटा हुआ। तो रसोईया को पकड़ा कुछ ग्रामीण, अभी गछने से भी इनकार है, उसका घर का को मैटर होगा। अच्छा, इसीलिए हम लोग यहाँ भीड़ हुए। अच्छा, तो प्रिंसिपल यहाँ के कौन? वो है कुंजी राकेश, कुंजी है राजेश, राजेश मंडल। राजेश मंडल, आपने उनसे बातचीत की? हाँ, बातचीत किए हैं। तो वो बोला कि वो रसोईया जाने, रसोईया जाने, मतलब पल्ला झाड़ लिया। हाँ, पल्ला झाड़ लिया।